एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। आज हम इस कक्षा के अंतर्गत कक्षा 7 हिंदी वाटिका का पाठ 13 गिल्लू के लिखित एवं मौखिक प्रश्नोत्तर के साथ साथ पुस्तक कार्य करेंगे। कृपया आपको हमारी कक्षा एक कैसी लगती है कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना किसी देरी के मौखिक प्रश्नोत्तर। के कौए किसे अपने आहार के रूप में देख रहे थे? उत्तर हो जाएगा, कौए अपने आहार के रूप में गिलहरी के बच्चे को देख रहे थे। ख गिलहरी का बच्चा गमले के पास निश्चेष्ट क्यों पड़ा था? उत्तर हो जाएगा, कौए की चोंच के घाव के डर से गिलहरी का बच्चा गमले के पास निश्चेष्ट पड़ा था। गे गिल्लू को कब लेखिका का ध्यान आकर्षित करने की तीव्र इच्छा होती थी? उत्तर हो जाएगा, लेखिका जब लिखने बैठती तब गिल्लू को उनका ध्यान आकर्षित करने की तीव्र इच्छा होती थी। घ लेखिका ने गिल्लू को मुक्त करना क्यों आवश्यक समझा? उत्तर हो जाएगा, बाहर की गिलहरियाँ उनके घर की खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने न जाने क्या कहने लगी, जिसके कारण गिल्लू खिड़की से बाहर झांकने लगा। गिल्लू को जाली के बाहर बैठकर अपनेपन से इस तरह बाहर झांकते देखकर लेखिका ने गिल्लू को मुक्त करना आवश्यक समझा। वैकल्पिक क्वेश्चन। कह गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ क्या था? काजू, बिस्कुट, चावल। उत्तर हो जाएगा, काजू। खे गिलहरियों के जीवन की अवधि अधिकतम कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष। उत्तर हो जाएगा, 2 वर्ष। रिक्त स्थानों को भरिए। कह सोनजुही में आजकल एक पीली लगी है। उत्तर हो जाएगा, कली। खे गिलहरी का बच्चा संभवतः से गिर पड़ा है। तो उत्तर हो जाएगा, घोंसले। गए अगले 2 पंजों और सर के अतिरिक्त सारा लिफाफे के भीतर बंद रहता। उत्तर हो जाएगा, लघुगात। गए सोनजुही की लता के नीचे को समाधि दी गई। उत्तर हो जाएगा, गिल्लू। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत ही हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। क्या लेखिका ने किस संदर्भ में गिल्लू को अपवाद कहा है? उत्तर हो जाएगा, लेखिका के पास बहुत से पशु पक्षी हैं, उनमें से लेखिका की थाली में खाने की हिम्मत किसी में नहीं हुई, केवल गिल्लू को छोड़कर, इसलिए गिल्लू को अपवाद कहा है। खे गिल्लू कहाँ बैठकर खाने का प्रयास करता? उत्तर हो जाएगा, गिल्लू थाली में बैठकर खाने का प्रयास करता। गे काजू न मिलने पर गिल्लू क्या करता था? उत्तर हो जाएगा, काजू न मिलने पर गिल्लू अन्य खाने की चीज़ या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। गे लेखिका ने किस कार्य को करने में कठिनाई का अनुभव किया? उत्तर हो जाएगा, लेखिका ने गिल्लू को बड़ी कठिनाई से थाली के पास बैठना सिखाने में कठिनाई का अनुभव किया। लिखित लेखिका ने गिलहरी के बच्चे को बचाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए? गिलहरी के घायल बच्चे के घाव पर लगे खून को पहले रुई से साफ किया, उसके बाद उसके घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया गया। उसके बाद रुई को दूध में डुबोकर उसे दूध पिलाने की कोशिश की गई, लेकिन अधिक घायल होने के कारण कमज़ोर हो गया था और दूध की बूंद उसके मुंह से बाहर गिर रही थी। लगभग 2.5 घंटे के उपचार के बाद गिलहरी के बच्चे के मुंह में पानी की कुछ बूंदें जा सकी। खैर किस बात से पता चलता है कि लेखिका के दुर्घटनाग्रस्त होने पर गिल्लू ने खाना पीना कम कर दिया था? उत्तर हो जाएगा, जब लेखिका अस्पताल से लौटी
और उन्होंने झोले की सफाई की तो उन्हें झोले में काजू मिले जिन्हें गिल्लू ने नहीं खाया था। इससे लेखिका को पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में गिल्लू ने दुखी होकर खाना पीना कम कर दिया था। लेखिका के असहाय होने पर गिल्लू ने किस प्रकार एक परिचायिका की भूमिका निभाई? उत्तर, लेखिका के आश्वस्त होने पर गिल्लू ने उनके तकिए के सिरहाने बैठकर अपने पंजों से उनके सर और बालों को हल्के हल्के सहलाता था। यह देखकर लगता है कि गिल्लू ने एक परिचायिका की भूमिका निभाई। घ, गर्मियों में गिल्लू का सुराही पर लेटना क्या दर्शाता है? उत्तर हो जाएगा, गर्मियों में गिल्लू सुराही पर लेटता था। इससे यह पता चलता है कि वह एक समझदार प्राणी था। गर्मियों में खुद को ठंडा रखने के लिए वह यह उपाय करता था। अंग, गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत किस प्रकार हुआ? उत्तर, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से उनकी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जाने के लिए सदैव के लिए सो गया। उत्तर विस्तार, पाठ के आधार पर महादेवी वर्मा की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर हो जाएगा, लेखिका का स्वभाव दयालु था। वह जानवर से बहुत से प्यार करती थी। उसे जानवरों के प्रति दया भावना थी। वह पाठ में गिल्लू को अपने परिवार के सदस्य की तरह रखती थी। वह गिल्लू का बहुत ध्यान रखती थी। खैर, लेखिका के मन में सोनजुई को देखकर गिल्लू का स्मरण आने का क्या कारण था? उत्तर हो जाएगा, लेखिका ने गिल्लू को उस सोनजूही के पौधे के नीचे दफनाया था क्योंकि गिल्लू को यह लता सबसे अधिक प्रिय थी। लेखिका ने ऐसा इसलिए भी किया था क्योंकि लेखिका को उस छोटे से जीव का किसी वसंत में जूही के पीले रंग के छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास था। लेखिका को यह सोनजूही का पौधा एक अलग तरह का संतोष देता था। आप कैसे कह सकते हैं कि लेखिका की भांति गिल्लू भी उनसे आत्म स्नेह रखता था? उत्तर हो जाएगा, गिल्लू लेखिका से बहुत प्रेम करता था। इसका उदाहरण इस प्रकार मिलता है, जब लेखिका अपना लेखन कार्य करने को बैठती तो वे लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू लेखिका के पैर पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर तेजी से उतरता। सुनो और लिखो, ये कुछ कठिन शब्द हैं, इनको सुने और लिखने का अभ्यास करें। स्मरण, अनायास, छुआ छुओवल, निश्चेष्ट, पेंसिलिन, समादरित, अनादरित। सोचो और बताओ, क्या प्रेम और अपनेपन से किसी को भी अपना बनाया जा सकता है? उत्तर हो जाएगा, हाँ, प्रेम और अपनेपन से किसी को भी अपना बनाया जा सकता है। लेखिका और गिल्लू की कहानी इसी भाव का उदाहरण है। भाषा बोध, समुच्चय बोधक द्वारा दिए गए वाक्यों को जोड़कर पुनः लिखिए। जैसा कि दिया गया है कि मैंने फूल रखने की एक डलिया उठाई, उसे तार से खिड़की पर लटका दिया, तो वाक्य संपूर्ण हो गया। मैंने फूल रखने की एक डलिया उठाई और उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। ऐसे ही है, काजू न मिलने पर वह अन्य चीज़ें न लेता, उन्हें झूले से नीचे फेंक देता। तो वाक्य हो जाएगा, काजू न मिलने पर वह अन्य चीज़ें न लेता और उन्हें झूले से नीचे फेंक देता। गिल्लू मर गया था, उसका झूला उतार कर रख दिया गया। वाक्य हो जाएगा, गिल्लू मर गया था इसलिए झूला उतार कर रख दिया गया। समुच्चय बोधक अव्यय पूर्व वाक्य का संबंध उत्तर वाक्य से जोड़ते हैं। दूसरा, दी गई संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त विशेषण शब्द पाठ से ढूंढकर लिखिए। स्निग्ध, रोएं, झब्बेदार, पूंछ, चमकीली आंखें, सघन, हरितमा, हल्की डलिया, अच्छा उपाय। समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। जीवन यात्रा,
जीवन की यात्रा, तत्पुरुष समास, दोपहर, दोपहरों का समाहार, द्विगु समास, इधर उधर, इधर और उधर, द्वंद समास, लघु प्राण, लघु है जो प्राण, क्रमधारय समास। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द पाठ से ढूंढ कर लिखिए। लघु है शरीर जिसका, लघुगात। सेवा करने वाली, सेविका। बुरी है जो घटना, दुर्घटना। जो मृत्यु के समीप हो, मरणासन। पांचवा, रेखांकित शब्दों के लिए उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य दोबारा लिखिए। क, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही गिल्लू सदा के लिए सो गया, तो सही हो जाएगा। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही गिल्लू की मृत्यु हो गई। ख, लेखिका को देख गिल्लू अपने झूले से उतरकर तेज तेज चलता, वाक्य हो जाएगा। लेखिका को देख गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता हुआ आता। ग, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, वाक्य हो जाएगा। गिलहरियों की आयु 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। घ, गिल्लू को घायल अवस्था में छोड़ने को जी नहीं माना, सही वाक्य हो जाएगा। गिल्लू को घायल अवस्था में छोड़ने को मन नहीं माना। दिए गए शब्दों के समानार्थी रूप लिखिए। कली, कलिका। दूध, क्षीर। पानी, जल। फूल, कुसुम। और ये अंतिम कल्पना। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। यदि लेखिका गिल्लू को घायल अवस्था में छोड़ देती तो क्या होता, अपनी कल्पना से घटनाक्रम लिखिए। तो सही उत्तर हो जाएगा, यदि लेखिका गिल्लू को उसी अवस्था में छोड़ देती तो वह तड़प तड़प कर मर जाता और संभवतः कौवों का भोजन भी बन जाता। तो कृपया, आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट्स करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आशीष शर्मा आपका धन्यवाद करता हूँ।